ये गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम बात करने वाले हैं 2023 की रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 की लोन एंड ईएमआई के बारे में, किस्तों में कैसे लें ये बाइक। तो मैंने देख लो शोरूम से सारी किस्तें बनवा ली हैं अच्छे से, कि क्या कुछ आप डाउन पेमेंट कर सकते हो, क्या कुछ आपको किस्तें देनी होंगी, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, कितनी आपको महंगी पड़ने वाली है बाइक और क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो मैं शोरूम पर हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो मैंने अच्छे से जो है सारी किस्तें वगैरह लिखवा ली हैं और इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसको मैं इसके साथ में जोड़ दूंगा। उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि भाई कैसे कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो वो वीडियो देख लो आप। तो ये देख लीजिए बुलेट स्टैंडर्ड 350 है, इसका जो ऑन रोड प्राइस चल रहा है फिलहाल वो चल रहा है 1,90,200 रुपये, जिसमें जो आप मिनिमम डाउन पेमेंट कर सकते हो वो 28,200 रुपये कर सकते हो। और अगर आप 28,200 रुपये की डाउन पेमेंट करते हो और एक साल की किस्तें बनवाते हो तो 14,700 रुपये की आपकी 12 किस्तें बनेंगी। 2 साल की अगर आप बनवाते हो तो 8,010 रुपये की आपकी 24 किस्तें बनेंगी। 3 साल की अगर आप बनवाते हो 5,980 रुपये की आपकी 36 किस्तें बनेंगी। 4 साल की अगर आप बनवाते हो 4,660 रुपये की आपकी 48 किस्तें बनेंगी। और अगर आप 5 साल की बनवाते हो तो 4,010 रुपये की आपकी 60 किस्तें बनेंगी। मैं आपको कैलकुलेट भी करके दिखाऊंगा कि कितनी आपको बाइक महंगी पड़ने वाली है अच्छे से, ठीक है ना। सेकेंड डाउन पेमेंट की बात करें तो ये देख पा रहे हो आप, और डाउन पेमेंट जो है आप मिनिमम मैंने आपको बता दी है कि आप मिनिमम जो है 28,200 कर सकते हो, इससे ज़्यादा जितनी आपकी मर्जी हो उतनी आप कर सकते हो, 50,000, 60,000, 1 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, जितना आपका बजट हो उतना आप डाउन पेमेंट कर सकते हो और बाकी लोन करवा सकते हो। ये मैंने वैसे आपको जनरली 2 डाउन पेमेंट जो हैं लेके बताई हैं, जिसमें अगर आप 82,400 रुपये अगर आप डाउन पेमेंट करते हो तो 9,610 रुपये की आपकी जो है 1 साल के लिए 12 किस्तें बनेंगी। 2 साल की अगर आप बनवाते हो सेम डाउन पेमेंट के साथ तो 5,270 रुपये की आपकी 24 किस्तें बनेंगी। 3,780 रुपये की आपकी 3 साल के लिए 36 किस्तें बनेंगी। और 3,040 रुपये की आपकी 4 साल के लिए 48 किस्तें बनेंगी। 2,590 रुपये की आपकी जो है 5 साल के लिए 60 किस्तें बनेंगी, जैसा कि लिखा गया है, ओके। और डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहीं पे। तो डॉक्यूमेंट्स जो है आपको वो आधार कार्ड देना होगा, यहाँ पे पैन कार्ड लगेगा आपका, और 2 ब्लैंक चेक लगेंगे जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, ठीक है। और लास्ट 3 मंथ की जो है बैंक स्टेटमेंट लगेगी। मान लो आपको जून 2023 में बाइक लेनी है तो यहाँ पे जो आपने मार्च, अप्रैल, मई 2023 इन लास्ट 3 मंथ की जो भी आपने ट्रांजैक्शन किए हैं, आपको अपनी पासबुक है जो प्रिंट करवा के वो जो है उसकी फ़ोटोकॉपी जो आपको देनी होती है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिसिटी या वाटर बिल ये आपका नाम पर है तो भी अच्छी बात है, नहीं आपकी किसी फैमिली मेम्बर के नाम पर है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लोन ईजिली हो जाता है। 2 आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ या फिर ITR या सैलरी स्लिप है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी काम चल जाता है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो, बहुत से लोग बोलते हैं भाई हमें स्क्रीनशॉट लेना होता है, तो यहाँ पे आप ले सकते हो। मैं कैमरा को थोड़ा पीछे कर देता हूँ, देख लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको जो है कैलकुलेट यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि कितनी आपको बाइक जो है महंगी पड़ने वाली है। मान लो आप 82,400 रुपये की डाउन पेमेंट करके 3 साल के लिए किस्तों में बाइक लेते हो तो जो किस्तें बनेंगी आपकी 3,780 रुपये की 36 किस्तें बनेंगी। यहाँ पे हम 3,780 को जो है, जैसे कि आप देख पा रहे हो 36 से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3,780 को हम 36 से मल्टीप्लाई कर दिया, 36 किस्तें आपकी बढ़ने वाली थी, तो ये हो गया 1,36,080 रुपये आपने 3 साल में किस्तों में पे कर दिए, ओके। तो ये अमाउंट हमारा निकल के आ गया। अब हमने जो है इसके अंदर डाउन पेमेंट को ऐड कर देना जो है 82,400 रुपये, तो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं 82,400 रुपये जो है, मैंने यहाँ पे डाउन पेमेंट भी जो है आपकी ऐड कर दी, ठीक है। ये आपकी जो है डाउन पेमेंट हो गई। और एक चीज़ और यहाँ पे रह गई जो कि है फाइल चार्ज, शायद इस पे लिखा नहीं गया, लिखा हुआ भाई देख लो, 2,500 रुपये जो है आपको फाइल चार्ज भी देना पड़ता है, ठीक है, स्टार्टिंग में ही डाउन पेमेंट के साथ। तो 28,207 स्टार्टिंग में ही आपको जो है ये फाइल चार्ज देना पड़ेगा। तो ये देख लो, ये आपकी 3 साल की किस्तों में हो गया था, ये आपका जो है आपने डाउन पेमेंट किया, और अब इसमें जो है हम 2,500 रुपीज़ जो है अपने जो है फाइल चार्ज दे दिया, ठीक है। तो इतने की आपको जो है बाइक पड़ने वाली है 2,20,980 रुपये की, ओके। और कैश में कितने की है 1,90,200 की, तो हम इसको ये है इनमें से माइनस कर लेते हैं 1,90,200, तो 1,90,200 रुपये मैं जो है इसके अंदर से माइनस कर देता हूँ, तो 30,780 रुपये जैसे कि आप देख पा रहे हो जो ये अमाउंट है ये निकल के आ गया है। इतनी बाइक आपको महंगी पड़ेगी 3 साल में, ठीक है। तो इस तरह से आप जिस चीज़ का चाहो, मान लो आपको यहाँ पे करना है, मान लो आपको 4 साल के लिए किस्तों पे लेनी है बाइक, तो 4,660 को आप 48 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, जो नंबर आएगा उसके अंदर 28,200 को ऐड करो, फिर जो नंबर आएगा उसके अंदर आपने जो है
2500 को ऐड कर देना है, ठीक है। तो जो टोटल नंबर आएगा उसमें से आपने जो है 190,200 को माइनस कर देना, आपको पता चल जाएगी कि बाइक आपकी कितनी महंगी पड़ने वाली है। ऐसे ईजिली जो है आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये काम करता है और क्या क्या किस्तें बढ़ेंगी। तो बहुत से लोग डिमांड कर रहे थे भाई बुलेट 350 या स्टैंडर्ड 350 के ऊपर लोन या किस्तों के बारे में वीडियो डिटेल से बनाओ, तो मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। फिर भी कुछ रह गया, कुछ आपको ना समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज वीडियो में इतना ही था, थैंक यू।